कसमिया छत्री संत कहाँ गया, जिला प्रशासन कहाँ गया, किस विकास की बात कर रहे हो? विधानसभा जंगीपुर है, वहाँ के पूर्व की सरकार में अखिलेश की गवर्नमेंट में वहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे पंचायती राज, अब वह नहीं। अगर गांव में डायल 100 न जाए, 108 की एम्बुलेंस न जाए मरीजों को लेने के लिए, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए 102 न जाए, पुलिस कतराए उस गांव में, तिलकहरू न जाए, दखहरू मतलब बच्चे अच्छे हों और शादियाँ न हों, लड़कियों की शादियाँ भी जहाँ रुक जाए, यहाँ कौन शादी करेगा, कौन बारात लेकर के जाएगा, जिधर भी जाएंगे किसी भी तरफ रास्ता नहीं है, सड़क पर जाने के लिए उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, विद्यालय में बच्चे नहीं जाते हैं, बरसात के मौसम में तो पैदल निकलना दिक्कत। यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो 108 या पर फोन करेंगे तो सीधे एम्बुलेंस वाला कहता है कि आप लोग लेकर के पहले रोड पर आइए, तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जब हम लोग चारपाई पर लदवा करके वहाँ से जब भिजवाते हैं तब जा करके तो फिर एम्बुलेंस मिलेगी और वहाँ से आदमी जाएगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो जी, ऐसा क्यों कहते हैं वो कि रोड पे लेके आइए, क्योंकि गाड़ी किसी हालत में वहां जा ही नहीं पाएगी। दिक्कत यह है अगर आप रात में कोई घटना घटित हो जाए और 100 नंबर पर आप फोन करेंगे तो पुलिस भी उस गांव में नहीं पहुंच पाएगी, रास्ता नहीं है। यदि हम अपनी बेटी भी आएंगे तो उनके भी तो समस्याएं होगी, क्योंकि उनके भी गर्भवती होगी या उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो समय से नहीं पहुंचेगी। तो आज तो यहाँ स्थिति ये हो गई है कि कुंवार बच्चों के लिए शादी की भी दुर्दशा हो गई। इसको संज्ञान में लिया गया है, एक्सीएन प्रांतीय खंड से इस संबंध में रिपोर्ट मांग की गई है और यदि लोगों का जो जायज मांग है उसको जरूर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया।